3 जून से अनलॉक होगा झारखंड। सीएम हेमंत ने दिया संकेत। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के नियंत्रण में आने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया कुछ पाबंदियों के साथ शुरू होगी। इस बाबत सोमवार को सुबह उन्होंने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसी होनी चाहिए अनलॉक एक की प्रक्रिया। सीएम ने अपनी बात सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी शेयर की। इसके बाद देर रात करीब 20,000 लोगों ने अपने सुझाव भेजे थे। झारखंड में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से आंशिक लॉकडाउन लागू है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सख्ती बरती गई थी। पहले यह 29 मई तक लागू किया गया था। इसके बाद इसमें अलग अलग बदलाव के साथ 3 जून की सुबह तक बढ़ाया गया था। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इस पाबंदियों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है और राज्य के संक्रमण की दर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए सीएम ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के पाबंदियों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी जबकि कुछ में ढील दी जाएगी। अधिकांश लोगों ने ई पास की व्यवस्था खत्म करने के पक्ष में बात कही है। सीएम द्वारा मांगी गई राय के जवाब में लोगों ने कई तरह के सुझाव दिए हैं। अधिकांश लोगों ने जहां ई पास की व्यवस्था खत्म करने की बात कही है, वहीं कई लोग पाबंदियों में ढील देने के पक्ष में हैं। इसके अलावा टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की मांग भी की गई है। 95% लोगों ने सीएम से कहा कि लॉकडाउन चाहे बढ़ा लीजिए लेकिन ई पास का नियम हटा दीजिए। और दूसरे जवाब में यह बात कही गई है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने कपड़ा, जूता, चप्पल और अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति देने की मांग भी की है। उनका कहना है कि दुकानें बंद हो जाने के कारण लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। लोगों ने स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की मांग की है और सरकार को डिजिटल सिस्टम को बेहतर बनाने के साथ उसे बढ़ावा देने की जरूरत बताई है। लोग धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, पार्क, जिम और मॉल को भी अभी बंद रखने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोगों ने 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और होटल को खोलने की मांग भी की है।